अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूँ कैसर खान। नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इसकी बुनियादों को खोखला किया जा रहा है, इसे लूटा जा रहा है और उसकी मईशत को तबाह किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा फैक्टर मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला हुंडी का काम है। पाकिस्तान में इस वक्त हवाला हुंडी का कारोबार अरूज पर है, जिससे हमारी मईशत को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। आजकल अयान अली का केस आप सबके सामने है, लेकिन आज के अंधेर नगरी में हम आपको जो केस दिखाएंगे उसमें अरबों रुपया महाना की बुनियादों पर मुल्क में और मुल्क से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है, और वो भी गैर कानूनी तौर पर। इसी वजह से हमारी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तमाम नाजरीन को हम ये बताते चले कि इस गिरोह को पकड़ने तक हम शदीद खतरे में रहे, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि अपने नाजरीन को इस तमाम गिरोह के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन दें, ताकि वो ये जान सके कि इस मकरूह धंधे के पीछे कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के अंधेर नगरी में हमने किस तरह एफआईए के साथ मिलकर इस खतरनाक गिरोह को ना सिर्फ पकड़ा बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया और बहुत सारे इंकशाफात भी किए। आज के प्रोग्राम में देखिए, हम एक बड़ी ही डिफरेंट खतरनाक जगह पर है। बिल्डिंग की लाइट जो है वो ऑफ कर दी गई है। ये इस वक्त 11 लाख रुपए की बरामदगी जो है यहाँ पर कर ली है। इसको बता दो, आए कहाँ से? अभी तक ये भी पता नहीं। हम एफआईए से आए। एफआईए से इसके पीछे क्या है ये आपको पता चलेगा। इस शटर के पीछे ये तिजोरी है। इनका जो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो इनकी है ना, वो अफगानिस्तान, काबुल और इंडिया। कब से कर रहे हैं आरिफ ये काम? 2-2.5 साल। मेरे आरिफ कौन है? आरिफ इधर के लाहौर का है, पश्तून है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये काम कितने अरसे से कर रहे हो आप? हमने उसके साथ मुलाजमत करते हैं 4-5 महीने से। तो आपका मालिक उसको कितना फायदा होता है ये बता दो। तो वो लाख के पीछे मकसद है 300, 400, 500 ऐसे लेता है। 5-5 करोड़ रुपया विदाउट एनी रिकॉर्ड वो ट्रांजेक्शन बड़े आराम से एक कपड़े की दुकान की आड़ में या होटल की आड़ में लोगों को कर दी जाती है। हवाला हुंडी या मनी लॉन्ड्रिंग, जिसे अंडरग्राउंड बैंकिंग भी कहा जाता है, एक आलमी मसला बन चुका है और इस हवाले से दुनिया के हर हिस्से में खतरात बढ़ते जा रहे हैं। इन खतरात में से सबसे बड़ा खतरा दहशतगर्दी का है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर कानूनी तौर पर रकम की मुंतकली के लिए इनफॉर्मल फंड्स ट्रांसफर सिस्टम इस्तेमाल में है। मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला हुंडी सिस्टम भी इनफॉर्मल फंड्स ट्रांसफर सिस्टम के तहत दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से अपनी शनाख्त रखता है। पाकिस्तान को पहले ही मुख्तलिफ मुआशी जराइम का सामना है, जिनमें टैक्स चोरी, फ्रॉड, करप्शन, जाली अशिया की तजारत और हुंडी हवाला मनी लॉन्ड्रिंग काबिले जिक्र है। मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला हुंडी से मुंतकिल की गई रकम की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का भी खतरा लाहक है। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग ने फॉर्मल और इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम्स दोनों को मुतासिर किया है और पाकिस्तान की मईशत को भी शदीद नुकसान पहुँच रहा है। जनवरी 2014 से नवम्बर 2014 के दौरान समंदर पार पाकिस्तानियों ने तकरीबन 18 बिलियन डॉलर वापस पाकिस्तान फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर के जरिए भेजे, लेकिन मिडल ईस्ट में मौजूद पाकिस्तानी लेबर सबसे ज्यादा रकम की मुंतकली करते हैं। ये लेबर क्लास 80% रकम की मुंतकली करती है और इनका दारोमदार हवाला हुंडी या रकम भेजने के दूसरे गैर कानूनी तरीकों पर होता है, जिससे पाकिस्तानी खजाने को भारी नुकसान पहुँच रहा है। नेशनल एक्शन प्लान 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक एफआईए ने मौजूदा साल में हवाला हुंडी के जरिए रकम मुंतकली के 64 केसेस का अंदराज किया, 83 लोगों को गिरफ्तार, जबकि 101.7 मिलियन रुपए की रकम बरामद की। हवाला हुंडी या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुंतकिल की गई रकम का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता और ये धंधा सिर्फ जुबानी कलामी एक एतबार के सहारे ही होता है। इस गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल शुदा रकम का इस्तेमाल मुख्तलिफ गैर कानूनी मकासद के लिए भी हो सकता है। 9/11 को अमेरिका में हमलों के बाद पूरी दुनिया, बिलखसूस अमरीकी हुकूमत का एतमाद इस बात पर भर गया कि इन कार्रवाइयों में हवाला हुंडी
یا منی لانڈرنگ کے ذریعے منتقل شدہ رقم استعمال ہوئی ہے۔ پاکستان کو بھی منی لانڈرنگ حوالہ ہنڈی کی وجہ سے شدید خطرات کا سامنا ہے، جن میں دہشت گردی سر فہرست ہے۔ پاکستان میں منی لانڈرنگ یا حوالہ ہنڈی کے کاروبار کی روک تھام کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جن میں ایف آئی اے کی کارکردگی قابل ذکر ہے۔ ایف آئی اے اور اندھیر نگری ٹیم نے سراغ لگایا کہ ایشیا کی بڑی کپڑا مارکیٹ آزم کلوتھ مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ کا کام ہو رہا ہے، لیکن سب سے بڑا چیلنج اس مارکیٹ میں جا کر اس گروہ کو بے نقاب اور پکڑنا تھا، کیونکہ یہ گروہ انتہائی منظم اور خطرناک تھا۔ ذرا سی غلطی ساری کاروائی کو متاثر اور ایف آئی اے اور اندھیر نگری ٹیم کو جان کے خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس ریڈ کو کامیاب بنانے کے لیے اور ناظرین کے لیے اس کاروائی کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک خاص حکمت عملی کے تحت اس کو فلمایا جائے، تاکہ تمام حقائق پاکستانی عوام کو دکھائے جا سکے۔ ایف آئی کی ٹیم کے ساتھ اندھیر نگری ٹیم اس وقت موجود ہے، اور اگین ہم اپنے بڑے کیمراز نہیں لے کے جا رہے ہیں، ہم خاص حکمت عملی کے تحت یہ فوٹیج بنائیں گے اور آگے جا کر ہم ریڈ کریں گے۔ ایف آئی کی ٹیم کے کچھ ممبرز آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر میرا یہ کیمرہ آپ کو دکھا سکے کہ وہ آلریڈی جا چکے ہیں آگے، اور وی آر جسٹ ریڈی۔ اب اندھیر نگری ٹیم نے ایف آئی کے ساتھ اس مارکیٹ میں موجود اس گروہ کے ٹھکانے پر جانے کا فیصلہ کیا، تاکہ اس مکرو کاروبار میں ملوث لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکے اور انہیں بے نقاب کیا جا سکے۔ آزم مارکیٹ کی تنگ و تاریک گلیوں میں گزرتے ہوئے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ کسی بھی وقت ہمیں انتہائی خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن پاکستانی عوام کی آگاہی کے لیے اور ملک دشمن عناصر کو بے نقاب کرنے کے لیے اندھیر نگری ٹیم ہر خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس گاڑی کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر منی لانڈرنگ کا کام ہو رہا ہے۔ ایف آئی اے کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے۔ ایف آئی اے کی ٹیم کے ساتھ اندھیر نگری ٹیم اس مارکیٹ کی ایک انتہائی خفیہ جگہ پر پہنچی۔ یہ بظاہر خیبر ہوٹل کے نام سے ایک 6 منزلہ ہوٹل تھا، جہاں پر زیادہ تر افغانستان سے آئے ہوئے لوگ ٹھہرتے تھے۔ یہاں پہنچ کر ایف آئی اے نے اپنی کاروائی کا آغاز کر دیا اور یہیں سے ہماری ریڈ شروع ہوئی، جو ناظرین بھی دیکھیں گے۔ ریڈ کے دوران ہم نے اس 6 منزلہ ہوٹل میں ایک تہہ خانے کا بھی سراغ لگایا۔ ایف آئی اے اور اندھیر نگری ٹیم نے اس تہہ خانے میں جا کر مزید تفتیش کا فیصلہ کیا۔ اس تہہ خانے میں پہنچ کر کیا ہوا، یہ آپ بھی دیکھیں۔ یہ ایسی سیف پڑھو گے، پرانا آخر کار ہمیں اس ہوٹل میں وہ تمام شواہد مل گئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر بڑے پیمانے پر حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ کا کام ہو رہا تھا۔ یہ سرور صاحب جو ہے نا، کیا نام ہے، وہ سے آپ پوچھ لیں، وہ کیسا لے گا سرور۔ ہمارے ساتھ ایویڈینسز یہاں پر کام ہو رہا ہے، اور دوسری جگہ پر بھی ٹیم کام کر رہی ہے، اور ایسے ہی ویئر کنسرن ہم ایک ایسے جگہ پر ہیں، ایسے علاقے میں ہیں جو تھوڑا سا تنگ گلیوں میں ہے۔ ابھی مزید انٹروگیشن کی جا رہی ہے۔
बड़े चले कि ये है जी, ये इस तरह से बंद था और इसको ओपन किया है। ये पहले के मैंने बोला पड़े हुए थे, काम करता था ना उसके। तमाम शवाहिद मिलने के बावजूद ये शख्स बार बार झूठ बोल रहा था, लेकिन जब एफआईए की टीम ने इस शख्स से तफ्तीश की तो उसने आखिरकार इस होटल के मालिक और हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस शख्स के बारे में बताया। नाम क्या था जो पहले काम करता है ये बताओ बस। ऐसे ड्रामे का क्या नाम था उसका? हम एक बड़ी ही डिफरेंट और खतरनाक जगह पर है, बिल्डिंग की लाइट जो है वो ऑफ कर दी गई है। इसको बता दो आए कहां से, अभी तक ये भी पता नहीं। हम एफआईए से आए, एफआईए से। इसके पीछे क्या है ये आपको पता चलेगा। इस शटर के पीछे ये तिजोरी है। इसका नाम क्या था जो पहले काम करता है ये बताओ बस। ऐसे ड्रामे का क्या नाम था उसका? आरएफ। सीधी तरह बोलो, ऐसे ड्रामे किए जा रहे हैं? कौन काम करता है? सही बताओ अब आपका तो बच्चों के सच बोलोगे? ये सच बोल रहे हैं। इतना झूठ बोला, सच कौन काम करता था? तो बताओ ना नाम, जो काम करता है वो कौन है? क्या नाम आप क्या नाम है? वो आरिफ का, वो कमाल के लड़का, वो हाँ। अभी हम किधर खड़े हैं? ये खैबर होटल। खैबर होटल है, किसका है ये? आरिफ का है। आप क्या करते हो उधर? मुलाजिम। मुलाजिम है। और ये कागजात जो सारे हुंडी के 37-37 लाख है और हम एक बड़ी ही डिफरेंट और खतरनाक जगह पर है और एक बिल्डिंग है खैबर होटल, उसकी बेसमेंट में मौजूद है। और ये शख्स ने खुद ही बता दिया कि इस बिल्डिंग का जो ऑनर है आरएफ, वो ये काम करता रहा और अभी स्टिल उसको पहले बुलाया गया है लेकिन वो आया नहीं है। तो अभी बिल्डिंग की लाइट जो है वो ऑफ कर दी है। एविडेंस हमें सारे यहाँ पर लेनी है, एफआईए ने सारे एविडेंस जो है वो यहाँ से कलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर ओवरऑल ज्यादातर कौन लोग रह रहे हैं? इधर पासपोर्ट और शादी कार्ड वाले ना, जो पासपोर्ट कौन अफगानी होते हैं, अफगानी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। यहाँ पर अगर हम कैमराज लेकर आते तो इतना बड़ा जो ये हमने एक चीज एक्सपोज किया हम कभी भी नहीं कर पाते। और ये ओवरऑल ये कार्रवाई है एफआईए टीम की, इन्वेस्टिगेशन उनकी टीम की और अंधेर नगरी टीम, ये दोनों मिलकर ही आपको इस तमाम मामला एक्सपोज हम कर। कितने खतरनाक तरीके से इसको प्रॉपर लॉक किया गया था। जो हमने नीचे से कागजात निकाले हैं उसमें 37 लाख 40 लाख 50 लाख हुंडी यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, जिसका कोई खाता नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये अफगानिस्तान, इंडिया और दूसरे मालिक में भी होता है, यहाँ पर प्रूफ होता है डेफिनेटली। वो बात करेंगे क्या इसकी सिचुएशन है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। हवाला हुंडी का कारोबार साबित होने पर एफआईए और अंधेर नगरी टीम ने मजीद तफ्तीश की। एफआईए की इत्तला थी कि इस बिल्डिंग में लाखों रुपए कैश मौजूद है। अब हमारा मकसद उस लाखों रुपए की रकम को इस बिल्डिंग से बरामद करना था। नाजरीन को बताते चलें कि इस रेड में एफआईए की दो टीमें काम कर रही थी। दूसरी टीम ने इत्तला दी कि उनकी हिरासत में मौजूद असील नामी शख्स ने बताया है कि कैश इस होटल में मौजूद है। अभी इत्तला मिली है कि अभी ये भाई साहब हैं, कैश भी आपके पास असील जो है ना, असील उसी बात को करा सकते हैं, बात कराते हैं आपकी, बात करा तो करा सकते हैं। अभी जो मैं कह रहा हूँ ना, उसने उसने आपको कह दिया? किसने? आसिम नाजान। आसिम है कि असील जिसको आप करा सकते हैं ना, वो कैसे आप अगर आप आसानी से कर दोगे तो आपकी बहुत अच्छा है। ज्यादा करोगे तो वो कर निकाल तो लेना है। एक बात रख लो, ये बढ़ाते हैं जो तुमसे बात करेंगे उसमें फर्क नहीं होगा।
हमें कैश चाहिए या बात सुन को बता दो आए कहां से अभी तुमको ये भी पता नहीं हम एफआईए से आए एफआईए से हम ठीक है ये एफआईए अब सुन लो ना अगली बात सुन लो ये तुम्हारे साथ वादा है इज्जत करो हमें सिर्फ आपसे कैश चाहिए बंदा हमने ले लिया एक बंदा हमें चाहिए उधर 80 रुपए हां 80 रुपए उधर से भी वो सारा कुछ कैश बताओगे जरा आज ही कैश निकाल 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 जल्दी निकाल आ जल्दी आ जल्दी ये ठीक है ठीक एक दरवाजे के पास बंदा ये है हमारा बंदा नहीं लाइट का भी बंदोबस्त हो गया अभी नाजरीन आपको बताएंगे कि अभी यहाँ पर हम पैसे निकालने लगे हैं जहाँ से आएंगे जैसे इन्होंने मान लिया जी कि यहाँ पर पैसे हैं इनके पास और असीम एक बंदा है जो ऑलरेडी अपनी जल्दी करो यार टाइम लगे ये आप बच्चों देख रहे हैं इसमें अच्छा चलो अच्छा इसको अच्छा लेके आना इसको रख के निकाले इसको ऊपर रखे हुए हैं इसके ऊपर रखे हुए जी नाजरीन आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं इस वक्त कि मैंने जब पहले भी हम आए हैं तो आपको बताया था यहाँ पे तिजोरी है नीचे और ऊपर मैंने देखा था कि ऊपर क्या चीज है तो ये अब पैसे निकाल रहा है ये कहाँ पर इन्होंने पैसे रखे हुए चलिए इन्हें नीचे लेके आए नीचे लेके पकड़े ये है वहाँ पे ये ये अमाउंट आप देख सकते हैं जी अभी कैमरा अगर मेरा दिखा सके ये अमाउंट ये पैसे आपको इसकी चाबी निकालो भी इसके अलमारी की चाबी निकालो ये एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव इस वक्त एफआईए की इन्वेस्टिगेशन टीम और अंधेर नगरी की इन्वेस्टिगेशन टीम मौजूद है खैबर होटल की एक बहुत ही खतरनाक किस्म की बेसमेंट में और हम एक खास तकनीकी अमली के तहत ये रेड यहाँ पर कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं लुक एट दिस लुक एट दिस मैं उसको फोन करके कैमरा बुलाऊं अब बुला रहे हैं जी जी ये इस वक्त 11 लाख रुपए की बरामदगी जो है यहाँ पर कर ली है और ये हम खास हिकमत अमली के तहत एक फुटेज बना रहे हैं 11 लाख जी आप देखिए नाजरीन ये दथिया नोटों की 11 लाख रुपए अभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है कैश ये पूरा शॉपर जो है ये पकड़ लेंगे आप अपने हाथ में आपके माना था ये नोटों की दथिया आप देख सकते हैं ये लाखों रुपया अभी एक दिन में यहाँ पर अभी रेड किया और एक और इनका शॉप है वहाँ पर भी लाखों रुपया बरामद किया गया है हमारी कोशिश है कि हमारे पास जो कैमरास हैं वो हम यहाँ पर ले आए किसी तरीके से और हम प्रॉपर कैमरे में ये शूट करें इस जगह जहाँ पर खैबर होटल मौजूद था कैमरा आने के बाद हमने मजीद तफ्तीश का फैसला किया आप देख सकते हैं कि अंधेर नगरी टीम की ये कोशिश है कि पाकिस्तान के जो नुकसान पहुंचाने वाले अनासर हैं मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनको भी बेनकाब किया जाए उनको भी एक्सपोज किया जाए और ये आप देख सकते हैं कि ये पैसा नोबडी नोज जब किसी पैसे का कोई रसीद नहीं है कोई किसी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है किसी ऑथराइज्ड कंपनी या बैंक के थ्रू वो पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा कुछ भी नहीं है तो ये पैसा कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है इस रेड के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये रुपए ज्यादातर अफगानिस्तान से आ रहे थे जो किसी भी खतरनाक मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे इस हवाले से एफआईए के सब इंस्पेक्टर राणा आजाज ने भी हमें बताया इनका जो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो इनकी है ना वो अफगानिस्तान काबुल और इंडिया ये तीन ही जगह पे इनकी इन्वॉल्वमेंट है इन्हीं लोगों को ये पैसा भिजवा रहे हैं अब जैसे कि अब्दुल कयूम साहब इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद है हमारे इंचार्ज भी हैं वो तो वो इंशाल्लाह इंटरोगेशन के बाद आपको पूरी सूरत हाल बताई जाएगी कि आया ये पैसा किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था अभी तक की जो हमें पोजीशन नज़र आ रही है ना कि आप देखें ऊपर आपने भी विजिट किया है उसमें यही देखा गया कि टोटल जितने यहाँ पर रहने वाले हैं ना वो सारे अफगानी हैं तो इट्स मीन के अफगानिस्तान के साथ ही इनका रिलेशन है और वहाँ पर पैसा किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी इंटरोगेशन इंशाल्लाह शुरू होगी तो उसके बाद अब ये पैसे आते हैं क्या सिस्टम है कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं मेरी बात सुने वो जो पहले बंदे जो उन्होंने आपने अरेस्ट किए ना जो असील नाम दूसरी दुकान पे काम वो कर रहे हैं ना मैं होटल में मकसद अपना ये इनसे किराए पे लिया वो कभी कभी जो मकसद किसी के पैसे इधर एक वक्ती तौर पर रखवा देता है बाकी वो मुझे ये नहीं बताते कि उसके असल मुंशी जो है ना वही है इस रेड को कंडक्ट जब हम कर रहे थे एफआईए की टीम के साथ
तो यहाँ पर इनको ये जाहिर नहीं कराया गया कि एफआईए की टीम यहाँ पर आई है या कोई मीडिया टीम यहाँ पर आई है, हम खुफिया तरीके से आए हैं और इनके मीटर चेक किए हैं। ये अब्दुल कयूम साहब बताएंगे ये स्टोरी कि किस तरह से हमने डिग आउट। जी अब्दुल कयूम साहब जी, हमने सबसे पहले इनके मीटर्स चेक किए हैं ताकि इन्हें आइडिया ना हो कि हम कौन लोग हैं, और हम लोगों ने अपने एंड पे इनकी सीक्रेट तरीके से हम लोगों ने इनकी सर्च की है। और मीन वाइल हम लोगों ने दूसरी साइड पे जब दूसरी टीम गई थी, हमने उनको टाइम दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने टाइम किल किया है ताकि वो लोग उस पहले उसको इंटेरोगेट कर लें और वहाँ से जो हमें क्लू मिलेंगे उसके मुताबिक हम लोग अपनी उस कार्रवाई को कनेक्ट करेंगे और आगे हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाएंगे और रिकवरी करेंगे। और हम लोग उस हिकमत अमली में कामयाब रहे हैं। कब से कर रहे हैं आरिफ ये काम? दो ढाई साल। मेरे आरिफ कौन है? आरिफ इधर के लाहौर का है, पश्तून है। आप पासपोर्ट दिखाएं जी, पासपोर्ट दिखाएं, पासपोर्ट कार्ड है हमारा, कार्ड है। इसके पीछे क्या है ये आपको पता चलेगा, इस शटर के पीछे ये तिजोरी है। ग्यारह लाख रुपए आपको कब मिला था आज? ये अभी तकरीबन आपके आने से एक घंटा दो घंटे पहले। जब आपको ये रकम देके जाते हैं तो कितने बजे देके जाते हैं? ये दो दफा इसने मेरे पास ये पैसे रखे। रूटीन में कितने बजे आते हैं? मकसद है कभी कोई टाइम पता नहीं होता ना, किसी टाइम भी देकर घंटा बाद भी ले जाते हैं। तो मकसद है एक रात भी हो जाती है, सुबह भी ले जाते हैं। आपको पता है ये कि ये रुपया किस लिए यूज होता है? यहाँ आपको पता है कि हुंडी के लिए जा रहा है? हाँ पता है आपको। जब इस शख्स खुदादाद से इस होटल के मालिक और इस गिरोह के सरगना आरिफ के बारे में पूछा गया तो उसने बताया। कब से कर रहे हैं आरिफ ये काम? मैं दो ढाई साल। मेरे आरिफ कौन है? आरिफ कौन है वैसे? आरिफ इधर के लाहौर का है, पश्तून है। और वो होटल के अलावा और क्या कारोबार है उसका? यही कारोबार है। अभी और मुझे इसकी बिजनेस का नहीं पता, मगर संदा मुझे बताता है। पैसे रखवाता है आपके पास और ले जाता है कभी कभी। अभी हम मजीद कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर एक तिजोरी बहुत बड़ी मिली है, उस तिजोरी को यहाँ से उठाया जाएगा। ये पैसे हम चाहेंगे जी ये संभाल लिए जाए। ये प्लीज काउंटिंग करके, ये काउंट करके आप प्लीज पैसे संभाल लीजिए। इसी शॉपर के अंदर तमाम इनके खाता जात है। जो मैंने एक सिर्फ एक पेपर आपको मैंने दिखाया था उसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के जो हवाला हुंडी के जो अमाउंट है वो यहाँ पर लिखी हुई है। और यही वो अनासर है जो हमारे मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। ये जब आपको दिखाएंगे तिजोरी यहाँ पर जो उठाई जा रही है उसके इसके पीछे क्या है ये आपको पता चलेगा। इस शटर के पीछे ये तिजोरी है और इस तिजोरी में क्या है इसको चेक करेगी एफआईए की टीम। अमाउंट हमने निकलवा ली इनके खुफिया खानों से, 11 लाख यहाँ से निकला है और 4-5 लाख के करीब अमाउंट मेरे ख्याल में दूसरी शॉप पे भी। अभी मजीद इंटरोगेशन की जाएगी। अब अंधेर नगरी टीम और एफआईए ने इस होटल में रहने वालों के बारे में जानने की कोशिश की। इस हवाले से एफआईए के अफसरान ने क्या कहा आप भी सुनिए। एफआईए के जो सब इंस्पेक्टर राजा साहब वो पूछते हैं यहाँ पर कुछ किसी से अगर बात करना चाहें। आप पासपोर्ट दिखाएं जी, पासपोर्ट दिखाएं, पासपोर्ट कार्ड है हमारा, कार्ड है। कहाँ से हैं? कहाँ से आप? ये हम मोहम्मद सर हैदराबाद से। वो किस मुल्क से? कौन सा? भाई अफगानिस्तान का है। मैं भी अफगानिस्तान का है लेकिन मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। ये अफगान सिटीजन कार्ड बनाया सर। आप भी अफगानिस्तान से? जी। अफगानिस्तान के किस इलाके से? हाँ ये अफगानिस्तान का। किस शहर से हैं? हम शेरजाद से। आपका जलालाबाद शेरजाद उलिस वाली से। आप पाकिस्तान में रह रहे हैं? पाकिस्तान में कब से रह रहे हैं? ये तकरीबन 1980 से आया हुआ है। यहाँ पे आके कभी किसी ने पूछा कि आप अफगानी है तो आप इस किस बुनियाद पे यहाँ पे रह रहे हैं? कभी पूछा आपको किसी ने आके? पूछा क्यों नहीं है हम अक्सर। किसी ने आके पूछा हो या किसी और ने आके पूछा हो? पूछते हैं। हाँ तो क्या बताया आप? आपने अफगान माजरीन है मकसद अफगान थाने में जी। ये जैसे जी पहले हमने देखा था कि ये अपना रूम खुले हुए थे तो जब उन्हें पता चला कि टीम आई हुई है तो मैं भी हो सकता है कि इन लोगों ने अपना अंदराज थाने में ना करवाया हो तो इसीलिए शायद इसी डर की वजह से कि कहीं हमें पकड़ ना लिया जाए। और इनके वीज़ों की भी क्या कंडीशन है वो तो इनके पासपोर्ट देखे जाते तो हमें पता चलना था। आपको ये बता दें अगेन, मैं आपको ये कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि ये इतनी खुफिया प्लेस है कि कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि इतनी छोटी सी जगह पर इतना बड़ा
6 मंजिला ये होटल है जी। अब हम बाहर निकलेंगे, एग्जिट करेंगे तो हम व्यूअर्स को दिखाएंगे, आप कैमरा शॉट कीजिएगा, दिखाइएगा कितनी तंग 10 गलियां हैं और किस जगह पर ये प्लेस बनी है, कैसा। कोशिश करेंगे कि वो हम जरूर फिल्माएं, लेकिन एहतियात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमने इस इलाके से अभी निकलना है, ये भी ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है ताकि हम तरीके से चीज़ों को जो हैंडल कर सकें। पहले जब हम आए थे यहाँ पर रेड करने के लिए तो इस कमरे में ये बैठे हुए थे शख्स, खुदा दाद जो इसने अपना नाम बताया, जिसको भी हथकड़ी लगाई जा चुकी है, 11 लाख रुपए बरामद कर लिया गया है और इस शख्स को इंटरोगेशन के लिए साथ लेकर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पहले ये शख्स नहीं माना था कि ये यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का इतने बड़े लेवल पर काम हो रहा है और अफगानिस्तान और दूसरे ममालिक के साथ जो है वो पैसों का जो लेन देन है बगैर किसी खाते के, बगैर किसी रिकॉर्ड के किया जा रहा है। जी व्यूज, अभी यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा था इस होटल में खुफिया तरीके से, आप देख सकते हैं कि कितनी तंग और तारीख ये गलियां हैं जहां पर अभी हम मौजूद हैं। अंधेर नगरी टीम FIE के इंस्पेक्टर हमारे साथ हैं अब्दुल क्यूम साहब, और जो शख्स जिससे 11 लाख रुपया बरामद हुआ है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और गो के वो यहां पर बकौल उसके को होटल में काम करता है और उसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, और उसका यहाँ पर ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये देख सकते हैं कि कैसा ये एरिया है, जगह कैसी हैं। मैं अपने कैमरामैन को भी बोलूँगा एहतियात से कि वो ज़रा नीचे से देखिएगा ज़रा, और ये एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं अंधेर नगरी में कि हमारे जो ऐसे अनासर जो कि पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं, मिशन हमारी उसको तबाह कर रहे हैं, उसको रुपए के हवाले से भी और उसको दहशतगर्दी के हवाले से भी, क्योंकि जैसे कि FIE के जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने हमें बताया कि जिस रुपए का कोई रिकॉर्ड नहीं है वो कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, कहीं भी उसको लेके जाया जा सकता है। अगेन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस जगह पर मौजूद हैं और हम यहाँ से अपनी कार्रवाई करके जा रहे हैं। अभी व्यूज को मुझे बता चले कि इस वक्त हम FIE की बिल्डिंग में मौजूद हैं और जिन लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया था वो यहाँ पर मौजूद हैं और FIE की हिरासत में है अभी, और अभी इनको ऑफिस में ले जाया जाएगा और इनसे मजीद इंटरोगेशन कीजिएगा। अच्छा जी, बताइए कि जो एक और शख्स है जो इनकी दूसरी जगह से गिरफ्तार किया गया था, असीर नाम था उसका, क्या नाम है? जी असीर, वो अभी दफ्तर में मौजूद है, ऑफिस में लॉकअप में, ठीक है, तो अभी इसको हम लोग लॉकअप से बाहर निकलवाते हैं और इंशाल्लाह उनसे इंटरोगेशन करते हैं। जब मुल्जमान को FIE की बिल्डिंग में मजीद तफ्तीश के लिए लाया गया तो उस वक्त FIE के इंस्पेक्टर अब्दुल कयूम ने मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी के हवाले से क्या कहा, आप भी सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस जो जी सिस्टम मनी लॉन्ड्रिंग का या हवाला हुंडी का चल रहा है कि इसको ख़त्म किया जाए, और उसके लिए टास्क फोर्स भी बनाई गई है FIE की, और उसके खिलाफ वो भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। FIE की मौजूदगी में हमने इस मकरूह कारोबार में मुलव्वस मुलजमान से मजीद उनके काम के तरीके और गिरोह के बारे में जानने की कोशिश की। इन लोगों से पूछेंगे कि ये कहाँ के हैं, क्या करते हैं, कैसे ये पैसा आता है, किधर से आता है, किन लोगों को ये देते हैं, और ये जो ब्लैक मनी है जिसका किसी को अता पता नहीं है, तो ये किन किन जगहों से पैसा आगे जो है लोगों को ये भेज देते हैं। अपना नाम बताओ। असील खान। क्या नाम है आपका? असील खान। असील खान, असील खान, आपको इनके बारे में बता दें कि ये वो शख्स है जो एक जगह पे जब हम रेड कर रहे थे तो FIE की दूसरी टीम दूसरे इनकी शॉप पर बिल्डिंग में रेड कर रही थी, तो वहां से ये शख्स गिरफ्तार किया गया है। इसी की निशानदेही पर इस शख्स से 11 लाख रुपया हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, बरामद किया था। अच्छा ये बताओ कि आप अफगानिस्तान से हो कि पाकिस्तान से हो? हम अफगानिस्तान के, बस 35 साल से पाकिस्तान में रहता है। 35 साल से? किस शहर में से पहले? पेशावर में। पेशावर में जी। अफगानिस्तान का कभी चक्कर लगता है आपका? हम भी चक्कर नहीं लगाए। कितने अरसे से मनी लॉन्ड्रिंग का, ये हवाला हुंडी का काम कितने अरसे से कर रहे हो आप लोग? हम न्यूज के साथ मुलाजिमत करते हैं 4-5 महीने से। किसके साथ? ये आरिफ के साथ। ये आरिफ, आरिफ के बारे में आपको बताएंगे, ये एक ऐसा करेक्टर है जो मेन इनका सरगना है, खैबर होटल का भी मालिक है, और इसका और क्या कारोबार है इसका, आरिफ का? और कारोबार मुझे पता नहीं है। नहीं, अभी दूसरी दुकान पे जहाँ थे वहाँ पे क्या हो रहा था? उधर हम बस सिर्फ ये खाते लिखते हैं। किस चीज़ का खाता लिखते हैं? ये सही बात बोलो ना, जो काम कर रहे हो वो जी पैसा वो लोगों के देता है ना, रात को हम उसको वो रजिस्टर में
آئیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت انسپیکٹر عبد القیوم صاحب ایف آئی انسپیکٹر ہیں اور یہ اس ریڈ کو یہ لیڈ کر رہے تھے اور مزید ان کے سامنے بھی کچھ سوالات ہم کریں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ لوگ کون ہیں اور کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں. اچھا آپ نے بتایا آپ افغانستان سے ہو. جی بھائی. اچھا یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے, کس ملک سے آتا ہے اور کس طرح سے آگے آپ لوگوں کو یہ دیتے ہو؟ یہ افغانستان اور چائنا سے آتا ہے. افغانستان اور چائنا. اچھا افغانستان سے جو پیسہ آتا ہے وہ کون لوگ بھیجتے ہیں یہاں پہ؟ سچ بولنا. ادھر سب افغانی تاجر لوگ آتا ہے نا, وہ کپڑا میں کپڑا لیتا ہے نا, وہ پھر واپس جا رہے ہیں کپڑا. اب تک سب سے بڑی رقم 12-15 lakh تو اس نے بھی بتا دیا آتا ہے آپ کو ایک دن میں, سب سے بڑی رقم وہ ہے, آپ نے کتنی دی ہے اب تک؟ کھاتے ہمارے پاس سارے موجود ہیں. وہ کبھی 10 lakh بھی 15 lakh بھی. سب سے زیادہ بڑی رقم ہم نے 40-40 lakh روپے بھی دیکھا ہے کھاتے میں لکھا ہوا ہے. آپ بتاؤ, اپنے منہ سے بتاؤ. 45 lakh 50 lakh تک میں ایک وقت میں. ایک وقت. طریقہ کار بتا دو کہ اگر کسی کو 50 lakh روپیہ دینا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے جی کہ فلانے بندے کو 50 lakh دینا, اور کیسے اس کو دیتے ہو؟ وہ مجھے فون کرتا ہے بھائی. کون کرتا ہے؟ وہ جو جس کا پیسہ ہے نا میرے پاس. اس کو کون بتاتا ہے کہ آپ کے پاس 50 lakh آ گیا؟ اس کو پتہ ہے نا, وہ خود ادھر سے حوالہ کرے گا کابل سے, پھر ادھر ہم 10 lakh 15 lakh ایک تھوڑا تھوڑا دیں گے. اگر کسی نے کابل میں کوئی پیمنٹ کرنی ہے تو وہ کابل سے ہی ان کو فون آتا ہے, ایسا ہی ہے نا؟ افغانستان سے فون آتا ہے کہ اتنے پیسے اس بندے کو دے دو. اور اس طرح سے یہ آگے وہ 50 lakh پیمنٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں, اور وداؤٹ اینی ریکارڈ. کوئی ریکارڈ تو نہیں ہوتا نا اس کا, ظاہر ہے. یعنی کہ حکومت پاکستان سے چھپ کے کام کرتے ہو نا آپ. اس کو آپ کیا بولو گے؟ چوری ہے, دنتی ہے, کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے بھائی, صحیح کام نہیں ہے. صحیح کام نہیں ہے تو کیوں کرتے ہو آپ؟ بس ہم مجبوری ہے نا بھائی, کام نہیں ہمارا اور ڈیوٹی نہیں ہے کوئی. کبھی پولیس نے نہیں پکڑا آپ کو ایف آئی اے کے علاوہ؟ آپ کو کبھی پولیس نے نہیں پکڑا؟ کبھی تھانے والوں نے نہیں پوچھا کہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں یہاں پہ؟ نہیں, پولیس نے نہیں پکڑا ہے. جو آپ کا مالک ہے اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ بتاؤ. تو وہ لاکھ کے پیچھے مقصد ہے 300-400-500 ایسے لیتا ہے. یہ کھاتے کون لکھتا ہے کہ کوئی کون بندہ ہے جو یہ لکھ کے چلا جاتا ہے؟ وہ ابھی چلا گیا, وہ کام چھوڑ گیا. جھوٹ نہ بولو, ادھر دیکھو میرے ادھر. ہاں جھوٹ بولو, جتنا جھوٹ بولو گے پھنستے جاؤ گے. اب یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ کو افغانستان سے کوئی بندہ فون کر کے کہتا ہے جی کہ پاکستان میں اتنا روپیہ, اتنے پیسے, آپ اتنے لاکھ روپے دے دیں کسی شخص کو, تو اس سے آپ لوگوں کو کتنا فائدہ؟ کتنا ایک لاکھ کے پیچھے آپ کتنا اماؤنٹ کماتے ہو؟ پہلی بات یہ سر کہ ہم تو تنخواہ دار لوگ ہیں نا. پہلی بات یہ میں آپ کلیئر کر دوں کہ آپ نہیں, ہمارا کاروبار نہیں. ہم کو آپ کا مالک ہے اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ بتا دو. تو وہ لاکھ کے پیچھے مقصد ہے 300-400-500 ایسے لیتا ہے. تو وہ جو ادھر سے وہ ڈالر کے جو کرتے ہیں, پھر وہ چین اور دبئی جاتا ہے, اس کا ہم کو نہیں مقصد, وہ بڑا کھاتا ہے. ہم ادھر کا بتا رہے ہیں کہ ادھر سے جو جس بندے کو دیتے ہیں نا, تو اتنا اس سے لیتے ہیں. مقصد لاکھ کے پیچھے 300-400 ایسے. زیادہ کالیں کدھر سے آتی ہیں آپ کو پیسے کے لیے؟ ادھر سے, افغانستان سے آتا ہے زیادہ. زیادہ کال ادھر ہی کا آتا ہے. ادھر آ کر اعظم مارکیٹ میں خریداری کرتا ہے, موتی بازار میں, شاہ عالم مارکیٹ میں. ادھر سے خریداری کر کے پھر کپڑا کدھر لے کے جاتا ہے وہ؟ تو کوئی کابل لے کر جاتا ہے, کوئی ایک شہر میں, کوئی دوسرے شہر میں. پیسہ وہ ادھر سے منگا لیتے ہیں؟ پیسہ ادھر سے منگاتے ہیں نا. ادھر سے منگاتے ہیں, آپ لوگوں سے لے لیتے ہیں؟ ہاں بالکل. ویورز ابھی آپ کو بھی یہ بتا چلیں کہ ابھی جو کیس کو انٹروگیٹ کیا جا رہا ہے, تو وہاں سے کی کھاتا ایک ہوتا ہے, کھاتا بنام کی کتاب بنی ہوتی ہے, اس میں تمام کھاتوں کے ریکارڈز ہوتے ہیں. تو یہ ایف آئی اے کے جو انسپیکٹر ہیں عبد القیوم صاحب, جنہوں نے ریڈ یہ ہیڈ کیا ہے, وہ اماؤنٹ چیک کر رہے ہیں کہ میکسیمم کتنی کتنی اماؤنٹ جو ہے وہاں پر. یہ تو ابھی آئیڈینٹیفائی ہوا ہے کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ میکسیمم کتنی اماؤنٹ ابھی تک وہ دیکھ چکے ہیں. جی سر, جیسے یہ 1,61,40,000 روپے کی. انبلیویبل. اچھا میں ایک سوال سر پوچھ, میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کروڑوں روپیہ جو آ رہا ہے, اور ہمیں نہ پاکستان کو جو اس کا تو ایک روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہے, یہ کروڑوں روپیہ سر اس کا کپڑا خریدتے ہوں گے یہ لوگ؟ بہت سارے انلیگل مینز یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ پیسہ اس میں یوز ہو سکتا ہوگا. تو ہم لوگ اس کی انٹروگیشن کریں گے, اس اینگل سے بھی ہم لوگ ضرور دیکھیں گے, کیونکہ ہماری انویسٹیگیشن بھی اسی چیز پہ بیس کرے گی کہ یہ جو اتنے کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہے وہ کس پرپز کے لیے یوز ہو رہی ہے. یہ کھاتے کون لکھتا ہے؟ یہ سارے آپ لکھتے ہو؟
आजा सामने आजा, आप सही बताना, आप तो सारी चीजें प्रूव हो गई हैं। खाते आप लिखते हो सारे? ये खाता तो मेरा नहीं भाई। किसका खाता है ये? खाता पता नहीं किसके। किधर से निकला ये खाता? पता नहीं भाई। ये खाता आपकी आपकी दुकान से लेके आए ना? दुकान से लिखे? कौन ये खाते कौन लिखता है, कि कोई कौन बंदा है जो ये लिख के चला जाता है? वो अभी चला गया, वो काम छोड़ गया ना। नहीं ये अभी 28 तारीख को था, अब चला गया। इतनी जल्दी झूठ ना बोलो, इधर देखो मेरी तरफ, बता दो यार ना, झूठ बोलो, जितना झूठ बोलो कि फंसते जाओगे। ये देखे 2,22,00,000 की ट्रांजेक्शन हुई है आज की, ये कल जो इनका क्लोज हुआ है कल की डेट का, ये देखिएगा 5th of May 5th of May 2,22,00,000 रुपए पे 2 करोड़ एक दिन की ट्रांजेक्शन है, ये आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 अरब के करीब चले जाते हो। अरबों रुपए का कारोबार, इतना बड़ा इंकशाफ, आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं इस वक्त अंधेर नगरी में। FIE की टीम इंटेरोगेट कर रही है, ये लोग हैं जो ये खाते तैयार कर रहे हैं, ये आरफ नामी शख्स के लिए काम करते हैं। इन्होंने इंटेरोगेशन में बड़ी जो है बातों को गोल तरीके से करने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन एफिशिएंट टीम है FIE की, उन्होंने प्रॉपर वो खाते भी जब्त कर लिए हैं। और डेट वाइज कल की डेट 5 तारीख को अराउंड 2.5 करोड़ रुपए का एक दिन में इन्होंने ट्रांजेक्शन की। ये खाता आप तैयार आप करते हो, झूठ ना बोलना? नहीं करते हैं। आप करते हो, यही लिखता है? हम लिखते हैं। आपने 4,71,98,898। अनबिलीवेबल, 5 करोड़ मैक्सिमम अराउंड देख लेना। ये 5 करोड़, 5 करोड़ ये एक दिन की ट्रांजेक्शन है ऑलमोस्ट। ये लिखा हुआ है जो इन्होंने खाता बनाया है 29/4/15 जमा। अब नाजिम आप इससे बड़ा, इतना बड़ा इंकशाफ आप कहीं और नहीं देखते। कुछ इनके ना ये पेपर्स निकल रहे हैं, देखिए किन किन जगहों के हैं, किन किन मनी एक्सचेंज के हैं। इतना बड़ा इंकशाफ आपको हम अंधेर नगरी में दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग, आप बहुत बड़ा एक केस देख रहे हैं अयान अली का जो पकड़ा गया, और बड़ा उसको मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से $5,00,000 समथिंग वो अमाउंट थी वो उससे पकड़ी गई है, वो केस हो रहा है। ये 5 करोड़ रुपया हम आपको दिखा रहे हैं, इससे बड़ी अंधेर नगरी और क्या हो सकती है कि 5 करोड़ रुपया एक दिन में ट्रांजैक्शन है। और अभी जब ये मजीद इंटरोगेशन की जाएगी इस हिसाब से देखें तो ये अरबों रुपए का कारोबार, 2-4 अरब मंथली ये लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं। और एक डीलर है ये आरिफ नामी, और इसी मार्केट में, कपड़ा मार्केट में, आजम क्लॉथ मार्केट में कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को कितना तबाह किया जा रहा है कि 5-5 करोड़ रुपया विदाउट एनी रिकॉर्ड वो ट्रांजेक्शन बड़े आराम से एक कपड़े की दुकान की आड़ में या होटल की आड़ में लोगों को कर दी जाती हैं। इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट्स आप पहले नहीं बोल रहे थे, ये जब देखा है तो पता चला है। आप तो कह रहे थे ज्यादा से ज्यादा पेमेंट जो है एक दिन में हमारे पास 50 लाख भी आई है। 5 करोड़ रुपया लिखा हुआ है आपके हाथों से, किसने लिखा है ये 5,51,00,000 सारा? ये हमने लिखा है ना। आपके हाथों से लिखा हुआ है? आपने लिखा है? हाँ जी। जमा आपने किया सारा? हाँ जी। इस हवाले से मजीद इंटरोगेशन की जाएगी और आप इस पे हम बात करेंगे अब्दुल कयूम साहब से। अब्दुल कयूम साहब, ये तो एक बहुत बड़ा एक, ये अब तक आपने बहुत सारी रेड्स किए हैं, आप इतनी बड़ी अमाउंट्स के हवाले से जरा बताइए, एक दिन में कभी इतनी ट्रांजेक्शन आपने देखी होते हुए? इससे पहले हमें ऐसा हिस्ट्री में नहीं है कि इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन पर डे में हो। जैसे कि आप इन्हीं की ही बात को ऑन कर लेते हैं कि 400 और 500 पर लैख इन लोगों को प्रॉफिट होता है इस इलीगल ट्रांजेक्शन का। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 5 करोड़ से या 6 करोड़ जैसे भी आप इसे ले लें, तो अगर आप 500 से मल्टीप्लाई करें तो ये लाखों रुपए पर डे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू की सूरत में, फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में लॉस हो रहा है। ये लॉस जो लोग कर रहे हैं एक नेटवर्क को FIE के साथ मिलकर अंधेर नगरी टीम ने एक्सपोज कर दिया है, बेनकाब कर दिया है। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जहां पर भी इलीगल काम हो रहा है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अंधेर नगरी टीम अपनी जान को भी खतरे में डालकर उन अनासर को जरूर बेनकाब करेगी। नाजरीन, मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले ना सिर्फ हमारे हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि हमारी मईशत को भी तबाह कर रहे हैं। इस मकरूह कारोबार का इस तरह से खुलेआम होना हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है और इसकी रोकथाम एक बड़ा चैलेंज भी।
अंधेर नगरी टीम ने इस तमाम गिरोह को बेनकाब करके अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन जरूरत अब इस बात की है कि हुकूमती सतह पर ऐसे इकदाम किए जाएं कि इस तरह के कारोबार को बिल्कुल खत्म किया जा सके। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा गैर कानूनी काम हो रहा है तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर आगाह कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज एड्रेस है facebook.com/अंधेर नगरी। कैसर खान और अंधेर नगरी की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।